अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम भाई रैंडम प्लान पे आ गए, हैदर खान की फरमाइश थी यार, कैफे दरक्षा का पुलाव टेस्ट करते हैं। हे गाइस, व्हाट्सअप, फरमाइश नहीं थी यार, कैफे दरक्षा का जो पुलाव था, पता नहीं पुलाव है फ्राइड राइस है, मैं FB पे स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो वहाँ मुझे ये वीडियो दिखी कि यार यहाँ का जो पुलाव है या फ्राइड राइस है वो थोड़ा यूनिक है, फ्रेश एग वगैरह ये लोग डाल के देते हैं। अब भाई आपकी बात नसीब है, उसमें जो भी निकल जाए प्रॉन का नसीब हमारा नसीब है पागल, हम खाने जा रहे हैं तो भाई देखते हैं खा के, मैं कुछ यूनिक लग रहा है ट्राई करते हैं, काफ़ी दिन हो गए चावल वाले आइटम ट्राई नहीं करे, तो खा के बताते हैं आपको कैसे आए कैफे दरक्षा की, लोकेशन दिखाते हैं आपको। यार कैफे दरक्षा बेसिकली मोबाइल मार्केट वाली रोड पर है, नुमाइश के मेन रोड पर आपको जो गली मोबाइल मार्केट की तरफ जा रही है वहाँ पर आपको कैफे दरक्षा मिल जाएगा। ये कैफे दरक्षा है तो अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है और रिव्यू देते हैं यहाँ के फ्राइड राइस प्लस पुलाव प्लस एग पता नहीं क्या प्लस ऑमलेट प्लस ऑमलेट। चलें कैफे दरक्षा में। हैदर खान, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कैफे दरक्षा के पुलाव से? आपने एक फिश ऑर्डर किया है और एक प्रॉन ऑर्डर किया है यहाँ स्पेशल, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? यार एक्सपेक्टेशन तो खाने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जब वो वीडियो मैंने देखी थी ना उस पर ऑमलेट था और फिश के पीसेस थे और चिकन के पीसेस थे, तो बहुत यानी कि एक यूनिक चीज़ लगी थी मुझे, मैं यार यानी कि टेस्ट करना बनता है तो मैंने तुम्हें बताया, तो इस वजह से हम यहाँ अभी देखते हैं कि क्या बेहतर है। वैसे तो फिश और प्रॉन्स मंगवाए क्योंकि चिकन तो खाते रहते हैं हम लोग और चिकन का मूड भी नहीं था अभी, तो इसलिए फ़िश और प्रॉन्स का ऑर्डर दे दिया हमने, तो वो प्लेटर हमारा आता ही होगा, तो आपको लेट्स सी रिव्यू बताते हैं कि कैसा है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ यूनिक कह सकते हो, यूनिक क्योंकि मैंने नहीं खाया आज तक ये पुलाव, तुमने ट्राई करा है अभी तक? नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम। चलो फिर रहते हैं करीब में। चलो बताते हैं फिर ट्राई करके। तो भाई हमारा प्लेटर आ गया है, ये देखें, ये है प्रॉन्स का, ये ऊपर इन्होंने ऑमलेट डाल के दिया है और ये देखें प्रॉन के पीसेज हैं, ये ज़बरदस्त, और साथ में इन्होंने दिए हैं फ्रेंच फ्राइज और ये इनका रायता है। यार कैसा टेस्ट होगा, एक अजीब ही लग रहा है ये प्रॉन्स उसके ऊपर फ्राइज और उसके ऊपर ऑमलेट। अरे खान खा के बताओ यार कैसा है ये मिस्टीरियस पुलाव। खा के बताता हूँ, यार बहुत ही अच्छा सी फूड का फ्लेवर है, फ्राइड का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, राइस का, ये हरी प्याज का बहुत अच्छा फ्लेवर है, धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर है। अब मैं अंडे से ट्राई करता हूँ। तोड़ना ही पड़ेगा आज, ट्राई करता हूँ। अच्छा यार यूनिक फ्लेवर है काफ़ी, बहुत ज़बरदस्त। तो अब आप फिश पुलाव का भी रिव्यू दो हमें कैसा है? तो ये है जी फिश पुलाव, ये वही सेम चीज़ अंडा फ्राइज, ओ बोनलेस फिश इस्तेमाल करिए भाई, तो मैं रिव्यू देता हूँ खा के। यार राइस का सेम फ्लेवर है, ये एक फ्रेशनेस है इसमें, फ़िश की वजह से बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है और फ़िश की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और एक तरह से ये ज़्यादा फ्रेश लुक दे रहा है प्राउंस से, आई डोंट नो वाई, लेकिन बहुत अच्छा फ्रेश लुक दे रहा है ये फ़िश की वजह से, तो बहुत ज़बरदस्त है यार। अब तुम खा के बताओ सर।
गाइस मैं अभी ये फ़िश पुलाव टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। थोड़ा सा एग के साथ, ओह बहुत ऑसम है। इसमें फ़िश का जो टेस्ट है बहुत फ्रेश है, और उसके अलावा जो ऑमलेट है और जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इनका रायता बहुत ऑसम है यार, ये ज़बरदस्त को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अब मैं प्रॉन भी टेस्ट करके बताता हूँ आपको। ओह ये आया प्रॉन, तो टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। ऑसम यार, आउटस्टैंडिंग। प्रॉन बहुत फ्रेश हैं, फुल मसालेदार टेस्ट है इनका, और आई थिंक राइस दोनों का सेम है, बट जो इनको फ्राइज और ऑमलेट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो ऑसम है। तो डेफिनेटली हम रेकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे आके यहाँ का फ़िश और प्रॉन पुलाव लाजमी टेस्ट करें, और इनके पास और भी ईरानी आइटम्स हैं वो भी आप टेस्ट करें। तो गाइस हम लोगों ने दरक्षा पुलाव खा लिया है, एक फ़िश था एक प्रॉन था, दोनों ऑसम थे। मेरी रेटिंग है 9.5 out of 10, क्योंकि भाई बहुत फ्रेश था और रेट्स में भी कोई ज़्यादा रेट्स ही थे नॉर्मल रेट्स से। राजा खान यार यकीन माने जो फ़िश था ना वो बहुत आउट क्लास था। एक तो वो पुलाव या फ्राइड राइस सही है, ऊपर से वो जो फ़िश थी ना अंदर वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थी, और फ्राइज थी उसके साथ और ऑमलेट में, यानी कि खाने में मज़ा आ रहा था। दोनों के जो राइस थे वो तो सेम थे, लेकिन फ़िश और प्रॉन में फ़र्क था। तो फ़िश मुझे क्रिस्पी लगी, बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मेरी रेटिंग है फ़िश को 9.5, और जो प्रॉन्स को है वो 8.5, क्योंकि राइस ऑलमोस्ट सेम थे लेकिन थोड़ा सा तलने वगैरह का फ़र्क था। और साथ में फ्रेंच फ्राइज भी थे, रायता भी बहुत ऑसम था, और ग्रीन अनियन भी थी, तो कह सकते हो कि फ्राइड राइस प्लस पुलाव था, लेकिन ऑसम था यार, नो डाउट रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। लाजमी कैफे और रेट थे, जो प्राउंस के रेट थे वो थे 360, और जो फिश के रेट थे वो थे 320, और जो चिकन के रेट थे वो थे 270 रुपये 70। तो आप चिकन भी खा सकते हैं और मटन भी होता है, तो मटन था 520, मटन थोड़ा कॉस्टली था बट 500, फिश और प्रॉन बेस्ट रेट में आपको मिल रहा है, ज़बरदस्त ऑसम। तो आखिरी में एक ही डायलॉग होता है इन दोनों का, सपोर्ट नहीं करिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करिएगा और बेल आइकन बिल्कुल भी प्रेस मत करिएगा, और कर दिएगा तो हमारा भला हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।